अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज का ड्रेस भी बहुत स्पेशल है। ये टू पीस कॉटन का ड्रेस था। इसकी मैंने फ्रॉक बनाई है प्लेट्स वाली, और ये प्लेट्स जो है मैंने थोड़ा सा चेस्ट के ऊपर से डाली हैं, थोड़ी नीचे से डलती है वैसे तो, वरना मैंने यहाँ पर डाली है। और इसका गला भी मैंने बहुत ही खूबसूरत बनाया है। ये देखिए, गले के अंदर जो है मैंने सिंपल लैस यूज़ की है, उससे मैंने इसका गला डिज़ाइन किया है। और गले के बीच में यूँ लग रहा है जैसे पाइपिंग लगी हुई है, हालांकि मैंने सीढ़ी लैस यूज़ की है बीच में, और पीछे कपड़ा लगा दिया था। बाकी इसका जो गला है वो सिंपल रखा है, और इस तरह करके साइड पे फिर लैस लगा दी है। तो इस तरह सीढ़ी लैस से और लैस के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये गला बन गया है। और मैंने इस ब्लू ड्रेस के साथ ब्लैक लैस का कंट्रास्ट किया है, और यहाँ पर मैंने प्लेट्स जो हैं वो एक एक इंच की डाली हैं, और उसके ऊपर लैस लगा दी है। और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है माशाल्लाह। और इसके जो ड्रेस पीस था, मतलब जो शर्ट का पीस था, उससे मैंने जो है इसकी ये प्लेट्स बनाई हैं, जो नीचे जो फ्रॉक है वो बनाई है, और जो ऊपर कपड़ा डाला है पेटी में वो मैंने शलवार का कपड़ा डाला है, क्योंकि ये टू पीस था तो इसको यूटिलाइज़ किया मैंने फिर इस तरह, क्योंकि कम पड़ा था तो फिर इस तरह इसकी फ्रॉक बना ली। और इसी तरह जो बाजू हैं वो इसके सही बन गए थे, और बाजुओं के एंड पर मैंने सिरे पर इस तरह इलास्टिक डालकर ये बनाए हैं मैंने इस तरह के बाजू। और बाजू मैंने इस तरह बनाए हैं कि यहाँ पर जो है वो जोड़ नहीं है इलास्टिक का, जो अमूमन हो दर्जन सी की है तो जोड़ होता है इधर, वरना जोड़ नहीं है इधर। मैंने पहले इसको अच्छी तरीके से पहले स्टिच कर लिया, एंड में मैंने इलास्टिक जो थी वो उसको सी कर उसके किनारे उसको गोल इसके अंदर जो है वो बंद कर दिया। इस तरह बहुत ही प्यारी फिनिशिंग आई है इसकी, ये देखिए। तो ये हमारा प्यारा सा ड्रेस है। इसकी बैक साइड भी मैं आपको दिखाती हूँ। और इसके जो नीचे है यहाँ पर मैंने लैस लगाई है इसी तरह से बहुत प्यारी, और यहाँ पर भी गुम सिलाई की है, ये फ्रंट पर गुम सिलाई हुई हुई है। और इस तरह इसकी बैक है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये इस फ्रॉक की बैक साइड है। बैक साइड पर मैंने लैस नहीं लगाई है, और यहाँ पर भी प्लेट्स डाली हैं एक एक इंच की। और बेटी पर शलवार का कपड़ा लगाया है। ये इसकी सिंपल कैप्री है, ये भी बिल्कुल सिंपल सी है मैंने, क्योंकि यहाँ पर शलवार के ऊपर प्रिंट हुआ हुआ था तो मुझे लगा कि सिंपल अच्छा लगेगा। और इसमें भी बेल्ट लगाई है वैसे ही, ये देखिए। बेल्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से लगाई है, सिंपल और नीट तरीके से। तो ये है माशाल्लाह हमारी सिंपल सी कॉटन की
टू पीस ड्रेस की फ्रॉक, ये मैटरनिटी डिज़ाइन भी है और ये बहुत ही प्यारी लग रही है। देखिए ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़। दोबारा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नए ड्रेस के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।